पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। और अभी जो टेंडेंसी है उसके अनुसार भी लग रहा है कि जो भारत का जहाँ तक सवाल है, हम लोग ने कहा है कि एनडीए 300 से ऊपर हम लोग जीते, 360 और 400 की बात अब हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 300 से ज़्यादा सीट पर हम लोग वहाँ जीतेंगे। ये भारत की जनता का प्रतिज्ञा और प्रतिष्ठा का एक प्रश्न है, जिसके चलते बातें हो रही है। बिहार में भी नीतीश कुमार जी का अच्छा काम रहा है और नरेंद्र भाई मोदी जी का भी अच्छा सहयोग रहा है, और गया में हम बहुत पहले भी बोले थे, कल भी एक पत्रकार को हमने कहा है कि गया में जितने भी सांसद इधर हुए थे, 2-4-5 पिछले, गया के बेसिक समस्याओं के बारे में नहीं सोचते थे या सोचते होंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आया है। और हम प्रयास करेंगे, क्योंकि 16 अप्रैल को नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सभा गया में थी, उस समय भी हम 3 प्रमुख मुद्दों को उनके सामने उठाए कि गया के लोग चाहते हैं कि गया में विष्णु धाम बहुत बड़ा कॉरिडोर बन जाए, दृष्टिकोण से या इंद्रपुरी से सोन से निराजन नदी और वहाँ ये फल्गु नदी में पानी आ जाए, और फिर उसके बाद गया जो एरोड्रॉम हमारा है वहाँ मालवाहक विमान ग्राउंड करे, इससे हमारे गया को बहुत प्रसिद्धि होगी, ज़्यादा लाभ मिलेगा। फिर इधर हमारे मन में बात आ रही है कि गया का हार्ट है आपको गांधी मैदान में सरोवर से अच्छा लुक लगता था, मुहर्रम मत्स्य पालन होता था। सुनने में आया है कि उसमें बहुत सी गड़बड़ियाँ हुई हैं, बहुत से पैसे निकाले गए हैं। ये भी मुद्दा हमारे सामने है कि हम गांधी मैदान को भी ठीक से आगे ले चलें। फिर बोधगया के बारे में भी एक और कल्पना हमारी है कि जब आगरा है चाहे मथुरा है, ये सब में विकास प्राधिकार हो सकता है, तो फिर बोधगया जो अंतर्राष्ट्रीय जगह है और उसको कहा जाए हर तरह से आगे बढ़े, हेरिटेज सिटी के रूप में उसको हो जाए, तो फिर वहाँ पर विकास प्राधिकार क्यों नहीं बन सकता है। ये सब सारी बातें हमारे दिमाग में है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, और वो पूरा होता है तो हम समझते हैं गया का बहुत बड़ा विकास होगा। ये आज चुनाव लड़े हैं इसलिए नहीं, रिजल्ट नहीं, तो पहले मैंने कहा था कि बेटा को पुत्र कहा जाता है, तो पुत्र भी होता है और सुपुत्र भी होता है और कुपुत्र भी होता है। तो जब उनके पिताजी की हत्या हुई थी और उनके हत्या को हम CBI से जांच कराने के लिए आदेश दिया था भारतीय मुख्यमंत्री को, फिर जब हम मुख्यमंत्री से हट गए तो माननीय नीतीश कुमार जी ने उस आदेश को निरस्त कर दिया था। तो हमको कहा गया था कि एक कोई पब्लिक पिटीशन हाईकोर्ट में दे देंगे तो वो CBI जाँच छोड़ देंगे। हमने उनके पुत्र को, जिनको अभी हम कह रहे हैं कि वो पुत्र नहीं पुत्र हैं, कि अपने बाप के हत्यारा को दंड नहीं दिलवा सकते, तो यह पुत्र कैसे हो सकते। जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।